हिंदुस्तान का मिशन चंद्रयान अगस्त के महीने में कामयाब हो चुका है और इस बीच चंद्रयान को लेकर एक खबर सामने आई, यान का एक अहम हिस्सा धरती पर लौट आया है। इसी साल 23 अगस्त को हिंदुस्तान का चंद्रयान चांद पर उतरा था। चांद के दक्षिणी हिस्से में उतरने का कमाल इससे पहले दुनिया का कोई भी दूसरा देश नहीं कर सका था। धरती से चंद्रयान 3 को उसकी कक्षा में ले जाने वाले लॉन्च व्हीकल LV-M3-M4 प्रक्षेपण यान का क्रायोजेनिक यानी ऊपरी हिस्सा बुधवार को पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर गया। ये चंद्रयान 3 की सफल यात्रा का साक्षी बना था और उसके साथ 36,000 किलोमीटर की दूरी तय की थी, लेकिन अब क्रायोजेनिक धरती में वापस लौट आया है। पिछली रात 2:30 बजे के करीब इस हिस्से को अमेरिका के पास उत्तरी प्रशांत महासागर में बेकाबू होकर गिरने की बात कही जा रही है। ये भारत के ऊपर से होकर नहीं गुजरा है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 को धरती के ऊपर 133x35,823 किलोमीटर के ऑर्बिट में डालने वाला क्रायोजेनिक अपर स्टेज वापस लौट आया है। क्रायोजेनिक ने ही चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को इस कक्षा में डाला था। तब से उसी ऊंचाई पर धरती के चारों तरफ ये चक्कर लगा रहा था। धीरे धीरे वो पृथ्वी के नजदीक आ रहा था। नॉर्थ अमेरिकन एयरोस्पेस डिफेंस कमांड इसे ट्रैक कर रहा था। उसने ट्रैकिंग के बाद इसरो से बातचीत करके अंतरिक्ष से धरती पर आने वाली वस्तु की पहचान की। धरती के निचली कक्षा से किसी भी चीज को वापस लौटने में करीब 124 दिन लगते हैं। LVM-3M4 रॉकेट का यह हिस्सा भी लगभग उतने ही समय में वापस लौटा है। इसरो ने बताया कि धरती पर लौटते समय क्रायोजेनिक अपर स्टेज से किसी को नुकसान न हो, इसलिए अंतरिक्ष में ही इसका फ्यूल निकाल दिया गया था। लॉन्चिंग से पहले इसमें 28 मीट्रिक टन ईंधन भरा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, News 18। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां दुनिया भर में लोकप्रिय हैं, तो वहीं वो बच्चों के भी चहेते हैं। पीएम मोदी का एक नया वीडियो सामने आया जिसमें वो बच्चों के साथ मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बाल प्रेम जग जाहिर है। वो जब भी बच्चों को देखते हैं तो उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। एक नहीं उनकी कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें वो बच्चों के साथ मस्ती करते हुए दिखाई देते हैं। अब सोशल मीडिया पर उनका एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें वो बच्चों के साथ खेलते हुए दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर पीएम मोदी का बच्चों को जादू दिखाने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल पीएम आवास पर एक परिवार ने उनसे मुलाकात की थी। परिवार के दो बच्चे भी उनसे मिलने आए थे। ये देख पीएम का मन बच्चों की तरफ आकर्षित हो गया। वो उनके साथ मस्ती के मूड में आ गए। दोनों बच्चों को खुश करने के लिए वो उनके साथ खेलने लगे। पहले पीएम मोदी ने दूसरे बच्चों के कानों को पकड़ लिया, उसके बाद दोनों के सिर एक दूसरे से हल्के से टकराए। इसके बाद पीएम ने एक सिक्का लिया और अपने माथे पर चिपकाने लगे। एक ट्रिक दिखाई और बच्चे उसे जादू समझने लगे। इसके बाद वो अपने एक हाथ से अपने सिर के पिछले भाग पर हल्के से मारते हैं, जिससे सिक्का उनके हाथ से गिर जाता है। पीएम मोदी यही ट्रिक बच्चों पर आजमाने लगे। पहले पीएम छोटी बच्चे के माथे पर सिक्का रखते हैं और हल्का दबाते हैं, मानो चिपकाने की कोशिश कर रहे हो।
इसी दौरान पीएम सिक्के को हाथ में चिपका लेते हैं। वो बच्ची को कहते हैं कि सिर के पिछले हिस्से को हाथ से मारो। बच्ची ऐसा करती है लेकिन सिक्का नहीं गिरता। इसी तरह वो छोटी बच्ची के साथ ही यही ट्रिक करते हैं। बाद में वो सिक्का बच्चे को दे देते हैं। बच्चों के घर वाले भी ये देखकर काफी खुश हो गए। इस वीडियो को बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है। वीडियो के सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने के बाद इसे काफी व्यूज मिल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।